पारिवारिक बंटवारे के लिए बनेगा नया कानून, मुखिया और वार्ड सदस्य की भूमिका होगी अहम। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पारिवारिक बंटवारे को लेकर नया कानून बनाने जा रही है। राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पारिवारिक बंटवारे से संबंधित मामले सामने आते हैं, इसको हल करना हमारे विभाग की प्राथमिकता में शामिल है। राजस्व मंत्री ने कहा है कि जैसे किसी घर में 10 लोग हैं और उनमें से ज्यादातर लोग बंटवारा चाहते हैं, लेकिन 2-3 लोग बंटवारा नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में परेशानी होती है। इसके लिए बहुमत के आधार पर बंटवारा प्रावधान किया जा रहा है और हम लोग कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि पारिवारिक बंटवारा हो सके। राज्य सरकार विचार कर रही है कि सहमति आधारित जमीन बंटवारा को कानूनी रूप दिया जाए। फिलहाल उसके प्रारूप पर विचार हो रहा है। पुश्तैनी जमीन के बंटवारा में अड़चन विवाद का बड़ा कारण है। हो सकता है कि परिवार के बहुमत सदस्यों की राय को कानूनी रूप दिया जाए। किसी परिवार में 10 सदस्य हैं और उनमें से कम 6 सदस्य बंटवारा के किसी एक स्वरूप पर सहमत है, ऐसे मामलों में सहमति पत्र तैयार कर कानूनी मान्यता दे दी जाएगी। राय ने कहा है कि सहमति पत्र पर परिवार के बहुमत सदस्यों के अलावा पंचायत के मुखिया, मुखिया चुनाव के निकटतम प्रतिद्वंदी, वार्ड सदस्य और चकबंदी एवं राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी दस्तखत करेंगे, इसे कानूनी मान्यता मिल जाएगी। तो अल्पमत सदस्यों के लिए इस तरह के सहमति पत्र को मानना कानूनी तौर पर बाध्यकारी हो। उन्होंने कहा है कि सर्वे अभियान चल रहा है, चकबंदी शुरू होने से पहले हर तरह के पारिवारिक भूमि विवाद का निपटारा जरूरी है। लाइव लगातार के लिए बिहार डेस्क न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।